महाराष्ट्र के स्पीकर लगभग पिछले काफी महीनों से डिफेक्शन के केस पे अपना कोई सुनवाई नहीं कर रहे थे और डिफेक्शन के केस में आपको पता होना चाहिए कि स्पीकर को ही सुनवाई करनी होती है सुप्रीम कोर्ट काफी बार बोल चुका था कि आप अभी तक किए नहीं हो क्या सोच रहे हो वॉट आर यू ट्राइंग टू डू पर अब फाइनली डेडलाइन दे दिया है हालांकि डेडलाइन पहली बार नहीं दी गई है मणिपुर का एक केस है जहां पे डेडलाइन दी गई थी तीन महीने की कहा गया था तीन महीने में यू शुड डिसाइड और वापस से महाराष्ट्र में वापस निकल के आ रहा है कि इकतीस दिसंबर तक इनको डेडलाइन दी दी गई है दैट यू हैव टू गिव आउट व्हाट यू फाइड एज योर जजमेंट बाई डिसंबर थर्टी तो दिस इज समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ डिफेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है इस साल के लिए और ये करंट अफेयर्स आपको सिर्फ यूपीएससी नहीं आप स्टेट पीसीएस देते हैं या कोई भी एग्जाम देते हैं उसमें भी कारगर रहेगा तो आप बस हेडलाइन देख के समझ लीजिए हमें कि वहां से पढ़ना क्या है एंड गो एंड मेक योर एनालिसिस प्लस हमें ढूंढने के लिए आप अनस्टॉपेबल चैनल पे आ सकते हैं जहां पे हम पूरा इसका विस्तार से एनालिसिस करेंगे अगला है चाइनीज बिगिन रिसर्च ऑफ द कोस्ट ऑफ श्रीलंका अमिट इंडिया कंसर्न तो यहाँ पे हमें इंडिया श्रीलंका का रिश्ता पढ़ना था कि कैसे श्रीलंका अभी भी चाइना की तरह झुकाव रखता है इतना बर्बाद होने के बाद भी और यहां नाम याद रखना, में, वेजल का नाम क्या में ये याद रखना है, है, है। यूपीएससी नहीं पूछेगा पर उन जगहों पे आ सकता है। तो ये भी थोड़ा सा रखना आपको प्लस इंटरनेशनल ऑर्डर हमारा कैसा चल रहा है इंडियन ओशन में हम कोशिश तो कर रहे हैं चीजों को ठीक करने की पर श्रीलंका जैसे लोग वहां पर उत्पाद मचा सकते हैं कभी भी तीसरा देखते इलेक्टोरल बॉन्ड्स प्रमोट एंड हेल्प डोनेट क्लीन मनी टू पार्टीज एजी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया दो तीन चीज हमें समझनी क्या है क्या उनके ऊपर या क्या उनके ऊपर ऐसी सुनवाई हो रखी है है इज देयर विद देम कि कि कहा जाता है कि वो मनी को बहुत अच्छे से ट्रांसफर करते हैं और ट्रांसपेरेंट करते हैं पर आपको बता दें यहाँ पे बहुत बड़ी दुविधा भी है इलेक्टोरल बॉन्ड्स का मतलब ये है कि जिसने पैसा दिया उसकी आइडेंटिटी रिवील नहीं होती है तो ये भी इल्जाम लगाया जा रहा है कि एक तो तरीका छुपा के पैसा देने का है इसका कौन बताएगा कि कहां से कौन दे रहा है और अटॉर्नी जनरल साहब ने अभी ये होंगे। और आपको नीचे कमेंट करके बताना है कि क्या इलेक्टोरल बॉन्ड्स हर बैंक में मिलते हैं या लिमिटेड बैंक में मिलते हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा आगे चलते हैं गवर्नमेंट प्रॉमिसेज ऑल एफर्ट्स टू गेट नेवी वेटर रिलीज फ्रॉम कतर प्रिजन दिस हैज बीन गोइंग ऑन ना सिंस लास्ट फ्यू डेज इंडिया कतर का रिलेशनशिप हमें पढ़ना होगा कतर की लोकेशन हमें देखनी होगी और अगर हम आपसे एक प्रश्न पूछे जिसका आपको नीचे जवाब देना है कतर किस कंट्री के साथ अपने बॉर्डर को बनाता है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा यहाँ पे हमें यह भी समझना होगा कि कॉन्सुलर एक्सेस दिया गया है और हमारे पास बहुत प्रेशर बनाने के तरीके हैं पॉलिटिकल प्रेशर एनर्जी से प्रेशर और डायस्पोरा हमारा वहा है ऑफ प्रेशर वी कैन पुट दे तो गवर्नमेंट सारा कुछ ट्राई कर रही है ताकि इन लोगों को छुड़ा सके और लाके भारत में हो सकता है ट्रायल करना हो तो ट्रायल पे रख सके अगला न्यूज जो है राजभवन फंक्शनिंग एज बीजेपी ऑफिस रवि एक्टिंग लाइक पार्टी स्टालिन देखिए तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर और गवर्नर के बीच में तनातनी पुरानी हो चुकी है अब लगातार चल रही है हमें यहां पे अपने एंगल से समझना है वॉट इज द गवर्नर कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन हाउ ही मस्ट बिहेव टॉक अबाउट गवर्नर ये चीज हमें यहाँ पे पढ़नी होगी तो हर एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो सकता है, है? यह सिस्टम हमने कहा आपको नीचे बताना है कमेंट करके देखते हैं आपको कितना पता है अगला जो है मराठा मराठा कोटा स्टेटर्स वीपी एंस ऑफिस लीडर्स होम स्टोर्स अब देखिए यहाँ पे एकदम साफ जो हमें चीज पढ़नी है वो है रिजर्वेशन के बारे में और रेजर्वेशन में कितना कहां पे हम परसेंटेज दे पा रहे हैं, प्लस जो अभी भी वंचित लोग हैं उनको कहां से देंगे रिजर्वेशन के आर्टिकल्स कौन से ये सब हमें पढ़ना है प्लस जजमेंट कौन से हैं जो रिजर्वेशन को एक लिमिट पे लाके छोड़ देते हैं और अगर वो लिमिट कहीं ब्रीच हो रही है तो क्या जजमेंट आता है ये भी हमें समझना होगा भी से रिलेटेड है ये कुंबी से रिलेटेड है आइए देखते हैं कि इसमें भी क्या होगा अभी तो काफी कुछ चल रहा है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में भी ये केस जाएगा देखते फिर क्या होगा एक्सपेंशन ऑफ सेटलमेंट इन टू फ्लड प्रोन एरिया अब एकदम साफ लग रहा है कि मुझे यहाँ पे अर्बनाइजेशन के बारे में पढ़ना है जब आप फ्लड प्रोन एरिया में घुस रहे हैं इसका मतलब अर्बनाइजेशन का प्रेशर इतना है कि आपको जगह आसपास नहीं मिली आप फ्लड जोनेशन के फ्लड प्रोन एरिया में जाके और जब आती है जो हमें पढ़ना होगा यहाँ पे अगला जो है पुटिंग द सेवेंटी आवर वर्क वीक आइडिया इंटू ह्यूमन रिसोर्स का मेरा एक बहुत बड़ा थीम है आप समझिएगा हफ्ते में सत्तर घंटे काम करना ये बात बोली थी इन्फोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति साहब ने वैसे वो बहुत एथिकल बातें करते हैं तो इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस भी आए बहुत सारा एडमिनेशन भी आया और क्रिटिसिज्म भी आया सत्तर घंटे पर हफ्ता अगर इसके हिसाब से आप भारत में देखिये तो ऑलरेडी हम लोग एनुअल एवरेज वर्किंग आवर्स जो है वो भारत में कहीं ज्यादा है एज कंपेयर टू जापान एज कम्पेयर टू जर्मनी एज कंपेयर टू जर्मनीज मे बी एज कम्पेयर टू अदर सॉर्ट ऑफ कंट्रीज बहुत ज्यादा है और अगर आप सेक्टर in जिनका काम तो हमेशा ही चलता रहता है। so this is again a challenge कि क्या आपको सिर्फ hours देखने हैं और मस्ट बी सीन कई ऐसी थियरीज से जो बोलते हैं कि प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर्स को देखना चाहिए आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको क्या लगता है इज इट मस्ट मैटर और इज दिस क्वालिटी ऑफ वर्क मस्ट मैटर इसी के लिए आपसे विदा लेंगे आपको पूरा एनालिसिस के लिए आप हमें देख सकते हैं यूपीएससी अनस्टॉपेबल चैनल पे जहां हर एग्जाम की लगभग चीजों को हम कोशिश करते हैं यूपीएससी परस्पेक्टिव हमारा जरूर रहेगा पर हम कोशिश करेंगे आपको चीजों को दिखाने की फैक्चुअली भी ताकि आप अपने आप को तैयार कर सके बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपको बता दें निरंतरता ही सफलता की कुंजी है जो निरंतर है वही सफल है आपको बस निरंतर रहना है सफलता आपके पास खुद आएगी जय हिंद